सुनना जरा बेटी दी अजमत की है मेरे और थोड़े पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी दी अजमत नु मनवा करके दिखाया। सही बुखारी अंदर बात मौजूद है मौला अली अली शेर जली रब दे वली मौला अली रज़ी अल्लाह तआला हजरत अली प्यारे अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इमे जनाब दूसरे निकाह दा इरादा फरमा देने के अबू जहल दी बेटी दे नाल निकाह कर लिया जावे। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। मगर मेरे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नो ये बात ना गवार गुजरी है। वैसे तो इस्लाम अंदर दूसरी जनाब शादी की जा सकती है, चार शादियां तक इजाजत है, पर मेरे महबूब पैगंबर ने सय्यदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ना ते सौतन जनाब बर्दाश्त ना की। एदी वजह गए अल्लाह दिल बिल कसम उठा करके फरमाया वल्लाहि ला तजतमीउ बिंतु रसूलिल्लाहि व बिंतु अदुविल्लाहि अबदा। प्यारे महबूब पैगंबर फरमा देने अल्लाह दी सौ अल्लाह दी कसम है वैसे ते दूसरी शादी ते इतराज नहीं है, पर अबू जाल अल्लाह दा दुश्मन है, मैं अल्लाह दा रसूल हाँ। एक घर अंदर दुश्मन खुदा दी ते रसूल खुदा दी बेटी कट्ठी नहीं रह सकती। एक छत हेठ ये अल्लाह दे दुश्मन दी और अल्लाह दे रसूल दी बेटी कट्ठियां नहीं रह सकदियां। ये मेरे वीर बेटी दी अजमत सुनना है। प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इवें जनाब अल्लाह अकबर दस्या है कि जेड़े जनाब अपने बेटी दी शादी करो वह बेटे दी बीवी होवे उनू बेटी जाणो उनू नो ना जाणो। नो ते होंदी होंदी है ना उहदे नाल जनाब सस ते सौरा जनाब अल्लाह अकबर बर्ताव चंगा करन ते अपनी बेटी समझ करके करन। आओ वेखो तुहानू इहदे बारे भी मसला समझावां। प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे तुहाडे करीम आका मेरे तुहाडे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दी फातिमा सय्यदा फातिमा फातिमा बतूल फातिमा फातिमा बिनते रसूल फातिमा फातिमा साकिया मुसकिया फातिमा फातिमा ताहिरा मुताहिरा फातिमा 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 मेरे नबी जी दे लखते जिगर फातिमा फातिमा नेक औरत फातिमा सय्यदा फातिमा उम्मुल हसनैन फातिमा फातिमा जन्नती औरतां दी सरदार फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सय्यदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इवें मेरे पाक पैगंबर सय्यदा फातिमा दे घर तशरीफ ले आंदे ने। बात नोट करना सय्यदा फातिमा अपने घर अंदर मेरे नबी जी अपनी बेटी दे घर अंदर अपनी बेटी दा हाल अहवाल पुछण वास्ते आए। ओ वीर साडे मुआशरे अंदर बात मशहूर है कि जदो बेटी किसे दे घर अंदर विआह दिती जावे फिर बेटी नू समझाया जांदा है बेटी खुश हो करके आवे ते सदा आउंदी रहो साडा घर तो आ तेरे वास्ते घर दे दरवाजे खुले ने, लेकिन लड़के आवे ते कदी भी ना आवी। पर मेरे नबी जी ने जनी आख्या मेरे नबी जी ने दलासे जरूर दिते मेरे नबी जी ने दुआवां जरूर दितियां मेरे नबी जी ने सय्यदना अली दे नाल साथ निभावना जरूर सिखाया, मगर इंज दी कोई बात नहीं कीती है। प्यारे महबूब पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे पाक पैगंबर सय्यदा फातिमा दे घर आए।
आए। प्यारे नबी जी ने हजरत अली दा पुछया, सय्यदा फातिमा अर्ज कर दिया ने, अब्बा जी, हुजूर जी, ए महबूब पैगंबर जी, मौला अली मेरे तो नाराज हो करके घरों बाहर चले गए ने। मेरे नबी जी सय्यदा फातिमा दे घर आए। मेरी बहन बेटी ने बात याद रखनी चाहिए, घर अंदर लड़ाई हो जावे, घर अंदर एक मौकफ होवे, ओदे ते जनाब एक बात ते दो मौकफ बन जान मियां बीवी दे, ते घरों रुस के अपने पेकियां ते नहीं चले जाईदा। मेरे नबी जी दी बेटी दे नाल उना दे सरताज मौला अली नाराज ने, पर सय्यदा फातिमा अपने घर अंदर तशरीफ फरमाने। हुण सय्यदा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला ना ने जदो दसिया हुज़ूर अली नाराज हो करके घरों बाहर तशरीफ ले गए ने, प्यारे महबूब पैगंबर किसे बंदे नु गला के हजरत अली नु बुलवा भी सकदे सन, पर प्यारे महबूब पैगंबर ने बुलवाया नहीं है। हजरत आप गए मस्जिद नबी अंदर, हजरत अली लेटे हुए ने, उत्ते चादर तान के लंबी तान के आराम फरमा रहे ने। इवें चादर सरक दी ते नीचे गिर जाती है, भोए दी जमीन कच्ची है ना, भोए तो जनाबे में मट्टी चादर ते लग जाती है। प्यारे महबूब पैगंबर गए हजरत अली नु सुतिया वेख्या, मेरे नबी जी ने फरमाया कुम कुम या अबा तुराब, कुम या अबा तुराब, ए मट्टी वाले उठ खड़ा हो, क्यों नाराज हो गए। प्यारे महबूब पैगंबर ने सुलो करवाई है, मेरे वीर मेरे नबी जी ने दर्स देता है कि बेटी होवे ते दामाद होवे आपस अंदर इंज नहीं कि जनाब दामाद बड़ा माड़ा है, या फिर जनाब अल्लाह अल्लाह बेटी वाले माड़े ने, यानी नूह वाले बहू वाले माड़े ने। इन्हों का आपस अंदर प्यार ते मोहब्बत अल्लाह अकबर वधान की कोशिश की थी। फिर मेरे वीर बात समझ आई ना कि बेटी दी अजमत अल्लाह ने कुरान अंदर भी बड़ी बयान फरमाई, और मेरे नबी जी दे फरमान अंदर भी अल्लाह दे रसूल ने बड़ी बयान फरमाई है।